क्या कह रहे हैं भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जाने दे यार, मेरे कोलंबो में जरूरत है मेरी। हारिस भाई तो आप देख सकते हो सदमे में पहुंच चुके हैं भाई, इनको उठाना पड़ेगा भाई। क्या हो गया, पहले वीडियो में तो काफी उछलते हुए कूदते हुए नजर आए, अब क्या हो गया, कहाँ हो? इंडिया वाले बड़े खुश हो गए, खुश हो भाई, यहाँ तुम्हारा दिन है आज। लेकिन मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना फाइनल में, वो हमारा दिन होगा, ये लिख लो। और जितने बैड कमेंट कर सकते हो करो। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, बंद करो यार कैमरा। अबे यार, बेइज्जती हो रही है यार हमारी। तो पहले वीडियो क्यों बनाई, पहले क्यों हुई भाई? सुन यार, नहीं अबे खैर हो गई, खैर है। अबे भाई ये होता रहता, हार जीत हार ऐसे थोड़ी खेलते हैं यार। मैं तो बोल रहा हूँ 100 रन तो बना ले, 100 रन बना ले, इज्जत बच जाएगी, 100 बना ले यार। अबे भाई क्या हो गया, खैर है, हार जीत होती रहती है। छोड़ो यार, बस बंद कर दो यार कैमरा, बंद कर। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो थोड़ी ना हारते यार, 71 रन पे 3 आउट यार, 20 ओवर नहीं है मतलब यार, मतलब खैर हो गई होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट यार। अब देखो ना यार, वो लोग जो हैं, जो वहाँ पर इतनी, हम लोग इतना वो कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे यार, हम लोग तारीफों के पुल बांध दिए थे हमने। बाबर आजम खेलेगा, रिजवान खेलेगा, इमाम खेलेगा, इमाम भी चलेगा, बाबर भी चलेगा, बाबर फखरे पाकिस्तान थे हमारे, सही है, रिस्पेक्ट करते हैं यार। लेकिन नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, बंद करो यार कैमरा। अबे यार, बेइज्जती हो रही है यार हमारी। तो पहले वीडियो क्यों बनाई, पहले क्यों हुई भाई? सुन यार, नहीं अबे खैर हो गई, खैर है। अबे भाई ये होता रहता, हार जीत हार ऐसे थोड़ी खेलते हैं यार। चलो यार, वो छोड़ो, हमारे हमारे ये वाले भाई भी बड़े देख रहे हो, उजड़े हुए चमन बने हुए। तो भाई आप सपोर्ट कर रहा था अहमद भाई, आपने देखा था, मैंने तो फुल टाइम शेड भी पहनी थी, शेड भी पहनी थी। और आपने पिछली वीडियोस के अंदर काफी वो भी किया था कि फिर मिलते हैं 10 सितंबर को, ठीक है। लेकिन यार अफसोस हो रहा है यार मेरे को यार, अफसोस तो देखो पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। रो नहीं यार, रो नहीं यार। यार भाई टीवी लगाने जा रहे थे हम लोग, दरअसल बात ये है कि एलईडी हम लोगों ने, मैंने बोर्ड लगा दिया था, सही है, केबल का तार भी लगा दिया था। वो इतने में रिजवान भाई थोड़ा आगे बढ़े, एज निकल गया उनका। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला यार अब मुश्किल है, हम थोड़ी सी जो बातें हम बोलेंगे, दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए तो चलो एक एक पॉइंट मिल जाए। लेकिन भाई सीन ऐसा है कि हम लोगों ने काफ़ी वो किया था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन देखो उदास तो हैं हम लोग, और हमारे को उम्मीद भी अभी 75 कुछ हो गए और बहुत कम स्कोर हैं और 3 आउट हो गए, तो ये एक मैच से कुछ भी नहीं होता। अभी इंशाल्लाह दुआ ये करो कि फ़ाइनल में हमारा मुकाबला तुमसे ना हो। अगर फाइनल में आ गए ना इंडिया वालों, अभी जितना खुश हो रहे हो ना, यही आलम तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो इस पे ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, मतलब इंडिया वालों में ने ये देखा है, मतलब अपनी हार भूल जाते हैं, मतलब पहले भी हार है हमसे 171 पे। बाकी ये है कि कल तो फिर इंडिया में छुट्टी का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि मिठाई वालों ने दुकानें अपनी नाम कर दी होंगी, लोगों को वाले आ रहे होंगे, पूजाएं चल रही होंगी, नारियल मन्नतें पूरी हो रही होंगी। तो भाई सीन ये है, मिठाई छुट्टी का ऐलान है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग जीत रहे हो मैच। तो अभी देखते हैं, मैच खत्म नहीं हुआ अभी, एंड में आपको दिखाते हैं क्या सीन है, अभी मैच चालू हुआ, हम थोड़े से उदास हैं। 4 आउट हो गए हमजा भाई, चलें घर अब। यार मैं बंद कर रहा हूँ टीवी। क्या 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 अबे भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जाने दे यार, मेरे कोलंबो में जरूरत है मेरी, अबे मेरी जरूरत है कोलंबो में, अबे किसी चीज की जरूरत यार, थोड़ा सा कोलंबो, कोलंबो जाएगा पहले इनको, तो जा रहा हूँ कोलंबो यार, अरे कोलंबो यार, मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ बैटिंग पे यार। ऐसे होता है यार, मगर 27 पे आउट हो गया, बोल्ड मारा है कुलदीप यादव, बोल्ड मार दिया यार, कौन बचाएगा इज्जत, बस बचा से यही चले जा रहा है इज्जत। मैं तो बोल रहा हूँ 100 रन तो बना ले, 100 रन बना ले, इज्जत बच जाएगी, 100 बना ले यार, बाकी मसला नहीं है। देखो हम हार जाएंगे, कोई मसला, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी टीम का साथ देंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है इंशाल्लाह अगर हमारा आपसे फाइनल में सामना हो जाए तो कुछ पता नहीं है, शायद फाइनल में हम जीत जाए। आज आप जीत जाओ, फाइनल में हम जीत जाएंगे, और अगर फाइनल में भी नहीं जीतते तो 14 अक्टूबर को एक और मुकाबला है अगले महीने वनडे में, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है यार, चलो देखते। हाँ तो भाई मैं आपको बता नहीं सकता, दिल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है वो इस वजह से, क्योंकि हम लोगों की यही उम्मीद थी कि हम इंडिया को इस वाली बार हराएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वीडियोज़ वगैरह भी बहुत सारी बनाई थी,
तो भाई फाइनली हम लोग मैच जो है वो हार गए, तो बस दुख है क्या कर सकते, क्योंकि हमारी विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी यार। लेकिन कोई बात नहीं, उसका मैच था क्या बोलते, सुपर एट का मैच था, इंशाल्लाह अभी फाइनल में इंडिया अगर आता है फाइनल में, और हम लोग भी जाते हैं फाइनल में, तो ज़रूर हम लोग रिएक्शन लेंगे। मज़ा आया पूरे मैच के अंदर, लेकिन हमें तो मज़ा नहीं आया, हम तो सिर्फ दुखी थे। मेरे साथ हमारे कुछ और भाई भी जिनको आपने पहले वीडियोज़ वगैरह के अंदर देखा, उछलते हुए कूदते हुए सारी चीज़ें करते हुए, तो इनकी भी सूरत हाल लेते हैं। मैच बिल्कुल एंड हो गया भाई, तो इंडिया वालों बड़े खुश हो गए, खुश हो भाई, हाँ तुम्हारा दिन है आज। लेकिन मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना फाइनल में, वो हमारा दिन होगा, ये लिख लो, और जितने बैट कमेंट कर सकते हो करो, देखते हैं फिर बाद में, बाकी इन लोगों को दिखाऊं। ये हमारे भाई यार सही है, बस आज इंडिया का दिन है, केएल राहुल भाई ने ये कि अपने 3-4 मैच में जो लगातार आउट हो रहे हैं कसर उतार दी, हाँ उसकी कसर उतार दी है। बाकी विराट भाई का तो हम बोल ही नहीं सकते ना, उनको किसी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। और बाकी रह गई रोहित शर्मा की, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई, सही है, 55-56 रन बनाया, सही है, कोई मसला नहीं है। फाइनल बाकी है अभी, इंशाल्लाह फाइनल में मिलते हैं। सही है, हम लोग हारे हैं भाई, करो आप लोग कमेंट अभी, आप ये है कि आपका दिन है, अच्छे अच्छे कमेंट करो, मतलब अच्छे अच्छे से फाइनल के लिए रेडी, फाइनल के लिए ये कि आप रेडी रहो इंशाल्लाह। आज हम हार रहे हैं, फाइनल में आप तैयारी कर लो हारने की, तो फिर मिलते हैं फाइनल में, और हारिस भाई से मिलो। हारिस भाई का क्या, हारिस भाई तो आप देख सकते हो सदमे में पहुंच चुके हैं भाई, इनको उठाना पड़ेगा भाई, क्या हो गया, पहले वीडियो में तो काफी उछलते हुए कूदते हुए नजर आया, अब क्या हो गया, कहाँ हो? एक सपोर्ट तो करता है इंसान, फिर दुख होता है यार, दिल टूटता है। अबे तो खैर है, भले सपोर्ट करता है, कुछ भी करता है, हार जीत होता रहता है, गेम का हिस्सा है, हार जीत तो होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने की बात यह अहमद भाई कि हमने बहुत उम्मीद लगाई हुई थी, है ना, हम अपनी टीम को कभी बुरा नहीं बोलेंगे भाई, हम इंडिया वालों की, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। ये इंडिया वाले होते तो अपने विराट कोहली के घर पे पहुंच जाते और पत्थर मार रहे होते, गो गो विराट, गो रोहित शर्मा के घर में पहुंच जाते, डंडे लेके पत्थर मार रहे होते, शीशे तोड़ते, अपने टीवी उनके दरवाजे पे ले आके मार रहे होते, क्योंकि देखिए सपोर्ट होता है, लेकिन हमें कल भी उनसे प्यार था और आज भी प्यार हमेशा रहेगा। तो भाई देखिए एक मैच बुरा खेलने से हम उनको बुरा नहीं बोल सकते, देखिए ये हमारी नंबर वन टीम है भाई, क्रिकेट लक की बात होती है, कभी दिन होता है कभी नहीं होता दिन, इंडिया वालों का इंडिया का दिन है, तो जब भी जीत गए इंशाल्लाह इंडिया वालों, फिर फाइनल में अगर आप लोग आए तो अपना ये मत भूलिएगा कि फिर हमारे पास जो है बैटिंग हो गई कोई बात नहीं, बॉलिंग हो गई, वो तो बारिश की वजह से हमारे को बारिश की वजह से थोड़ा मसला हो गया, क्योंकि कंफ्यूज हो गए हम बात ही, लेकिन इंडिया जब आएंगे फिर 15 अक्टूबर नेक्स्ट टाइम पे बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं हम लोग, तो ये याद रखना फिर तो इंडिया में अगर हरा दिया फिर अभी तो फाइनल हो सकता है, बाद में इंडिया में हराने की हमारी हो, देखते हैं आपको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंडियंस और पाकिस्तान फैंस को, पाकिस्तान आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भाई फिर अल्लाह हाफिज़।